बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 550 करोड़ की लागत वाली पेप्सी बोटलिंग प्लांट का किया उद्घाटन। रोजगार नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में दिखी नाराजगी। भगवान राम पर जीतन राम मांझी ने फिर दिया विवादित बयान। बयान के बाद सियासत तेज। जाप और जेडीयू ने कहा फिर गया है मांझी का मिजाज। बोचहा उपचुनाव को लेकर सहनी ने बीजेपी के खिलाफ दिए बयान। कहा बोचहा में बीजेपी का नहीं है जनाधार। बयान का शिवानंद तिवारी ने किया समर्थन। और बगा में प्रशासन की लापरवाही से मौत को निमंत्रण दे रहे लोग। जाम के बाद प्रशासन नदारद। गुजरती ट्रेन से भी बेखौफ होकर ट्रैक पर चलते दिखी जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से और एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। ये बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से। नीतीश सरकार ने दिया बिहार को बड़ी सौगात। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक बड़ी सौगात दे दी है। 550 करोड़ की लागत से पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बड़ी खबर, सीएम और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इसका उद्घाटन किया है। बड़ी खबर बेगूसराय से, बरौनी के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर दिया जोर, मंत्री का बयान। प्लांट उद्घाटन के बाद स्थानीय लोगों में लेकिन नाराजगी दिखी है रोजगार को लेकर, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में इन दिनों बन के रह गया है। स्थानीय लोगों ने नौकरी नहीं देने का आरोप लगाया है सरकार पर। तो बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से, एक बड़ी सौगात नीतीश सरकार ने बिहार को दी है। बिहार के बेगूसराय में 550 करोड़ की लागत से नवनिर्मित बेवरेज बोटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बेगूसराय से संवाददाता राजीव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, बिहार को एक बड़ी सौगात तो मिली है लेकिन स्थानीय लोगों में नाराजगी है, वजह रोजगार। जी हाँ, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इस बड़े बॉटनिकल प्लांट का उद्घाटन किया है, ये नवनिर्मित बेवरेज बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया। आपको बता दूं कि यह प्लांट 1 मिनट में 800 बोतल निर्माण करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, हालांकि अगर ऐसे में देखा जाए राजीव, तो 11 महीनों में ये बन के तैयार हो गया और शाहनवाज हुसैन जो कि बिहार के उद्योग मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में ही, उनके ही कार्यकाल में 11 महीने में इतनी तेजी से ये बॉटलिंग प्लांट तैयार किया गया है। हालांकि अब ये रोजगार के सृजन के अवसर प्रदान करेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर जोर है बरौनी को। जी हाँ, जिस तरीके से बरौनी प्रखंड में ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह की ज्यादा उम्मीद लग रही है और रोजगार की बात करें तो निश्चित तौर पे कोरोना काल के बाद रोजगार में जहाँ पे कमी देखी जा रही थी, प्लांट के बनने के बाद रोजगार बेरोजगारों में काफी ज्यादा खुशी है कि रोजगार मिलने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन आरोप तो उनका यही है कि बिहार सरकार रोजगार नहीं दे रही है। यहाँ पर स्थानीय लोगों में यही तो नाराजगी है कि कहीं और के लोगों से काम करवा लिया जाता है लेकिन जो बिहार के लोग हैं, जो यहाँ के मजदूर हैं, उनको इसमें मौका नहीं दिया गया। जी हाँ बिल्कुल, सूत्रों की माने तो अभी भी लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी है कि जो यहाँ पे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन लोगों को रोजगार इस प्लांट में अभी भी नहीं दिया गया है। बिल्कुल, तो क्या कुछ उनका कहना है, क्या आगे वो इसको लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री वहीं पर हैं और उद्योग मंत्री भी वहीं पर हैं, क्या इसको लेकर वो उन तमाम गणमान्य लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे? जी हाँ, कहना बहुत मुश्किल है कि जो मंत्री हैं इस बात को लेकर के अपने पदाधिकारियों से या जो प्लांट है उनके अधिकारियों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार जो उद्घाटन के बाद उन्होंने अपनी बातों को रखा है और उसमें कहा है कि निश्चित तौर से ये प्लांट के बन जाने के बाद से रोजगारों प्रदान किए जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसे में देखा जाए राजीव, तो इससे पहले बरौनी डेयरी के लिए जाना जाता था, वहां पर डेयरी फार्म भी है और बरौनी का डेयरी जो है पूरे बिहार में जाता भी है उसका प्रोडक्ट, लेकिन अब उस वक्त भी रोजगार मिल रहे थे और ऐसे में एक पेप्सी प्लांट का उद्घाटन डबल डबल ये ऑफर है कहीं ना कहीं बेगूसराय बरौनी की जनता को। जी हाँ, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बरौनी और बेगूसराय दोनों के लिए। पहले से ही काफी औद्योगिक नगरी के नाम से बेगूसराय बरौनी जानी जाती थी और इस प्लांट के लगने के बाद से आगे और विकास के काम में और ज्यादा रुझ मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर, बिहार के बेगूसराय को एक बड़ी सौगात और वहां के लोगों को भी सौगात है रोजगार को लेकर। नीतीश सरकार ने 550 करोड़ की लागत से वहां पर बेवरेज बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया, पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने यहां का निरीक्षण भी किया और सबसे तेज 11 महीने में उद्योग मंत्री के कार्यकाल में, शाहनवाज हुसैन के कार्यकाल में यह बॉटलिंग प्लांट बनकर तैयार हो गया।
क्या कहना चाहते हैं? मेरा सब भाई लोग का जो है डॉक्यूमेंट सब जमा किया। अच्छा, मतलब पहले बोले कि ये सब जमा करिए हो जाएगा, लेकिन अभी तक मतलब हजारों 2000 मतलब डॉक्यूमेंट जमा कर दिया गया है। लेकिन वहाँ की कंपनी कहती है कि ऑनलाइन जो है वरुण बेवरेज के नाम पर naukri.com पर नौकरी आएगी, तो ये डॉक्यूमेंट जमा करने कौन बोला आपको? फालतू बोलता है, सब जमा किया गया, तब तो सब जमा किया ना। अच्छा, ये रिज्यूम जमा किया गया है। लेकिन उनका कहना है कि अभी फैक्ट्री सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। चालू है तो इतना पेप्सी यार मिल रहा है कि नहीं? झूले के लिए भी नहीं मिल रहा है। यार धरना नहीं दिया, आके काम कर रहा है। हैदराबाद सब जगह कर रहा है। नेता लोग क्या कर रहे हैं यार? नेता लोग बोले जो विचार होगा तो हम लोग बात करेंगे। ये बात तो कुछ नहीं सुना है, इतना भी तो बोले समझ दिया। आपको बता दें, बरौनी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर जोर दिया गया है। बिहार में एक और बड़ा उद्योग प्लांट बनकर तैयार हुआ है। बरौनी ये वो शहर है जो कि डेयरी के लिए जाना जाता है, और ऐसे में अब यहां पर बॉटलिंग प्लांट लग गया है बरौनी में, और पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण भी किया था और आज उसका उद्घाटन हुआ है। 550 करोड़ की लागत से 55 एकड़ की जमीन पर यह बॉटलिंग प्लांट बनकर तैयार हुआ है। हालांकि वहां के लोगों में कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर नाराजगी तो है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा इन दिनों बिहार में है कि रोजगार को लेकर आखिर जनता जाए तो जाए कहां। ऐसे में डेयरी के बाद अब एक बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन, कहीं ना कहीं डबल डबल ऑफर है वहां की जनता को। आज कितना बढ़िया बना होगा कि जरा एक बात हम आपसे आग्रह करेंगे, ये सब जो जर्नलिस्ट है ना जी, इन जर्नलिस्ट को भी एक व्यक्ति से, एक दो लोगों से दिखवा दीजिए। जरूर दिखवाएंगे, जरूर दिखवा दीजिए कि क्या क्या चीज़ आप लोग जो जो देखना चाहेंगे। आप लोग भी जरा फोटोग्राफ लीजिए और एक एक चीज को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा और इसकी जानकारी भी और बेहतर ढंग से लोगों को मिल जाएगी। जी बिल्कुल, इसलिए आप लोग भी आए हुए हैं सब, आप लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने उद्योग विभाग की जिम्मेवारी दी थी और बड़े विजन के साथ मुख्यमंत्री जी ने काम किया। जो चीनी मिल की जमीन थी जो खाली थी वर्षों से, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की। ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट बना है। जयपुरिया साहब और डॉक्टर त्रहान साहब जो मशहूर डॉक्टर हैं, आज इस सरजमी पर आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनकी प्लांट को देख कर इतनी खुशी जाहिर की है कि अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि बिहार में इतना अच्छा प्लांट लग सकता है। जयपुरिया साहब ने कमिटमेंट किया है कि वो चीनी मिल के लिए भी आगे बढ़ेंगे, और यहाँ का जो इस इलाके में सबसे ज़्यादा लीची होती है तो लीची का भी प्रोसेसिंग होगा। आम को अभी ये प्रोसेसिंग करेंगे, और अनानास का जो पाइनएप्पल है उसका भी प्रोसेसिंग जो किशनगंज इलाके में होता है वहाँ से ला के यहाँ पर करेंगे। यहाँ रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ जो रोज़गार है आसपास के लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलेगा, और इनके प्लांट में बहुत से लोग बिहार के बाहर काम कर रहे हैं। उनको हमने अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि अगर वो अपने राज्य में आकर, अगर वो एक्सपर्ट हैं क्योंकि इसमें कई एक्सपर्ट लगेंगे, वो भी इस प्लांट में अगर ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे तो थोड़ी उनको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ज़्यादातर स्थानीय लोगों को ही रोज़गार मिलेगा। उद्योग और रोज़गार का जो वादा नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले किया था उस पर बढ़ता कदम है। लोग कहते थे कि कहाँ उद्योग लग रहा है, तो हमारे अगर विपक्ष के लोग भी आएंगे देखने के लिए, हम उनका भी पास बना के अंदर उनको घुमाएंगे, और जो एम्प्लॉयमेंट मिला है उसको वो देखेंगे कि कितना बढ़िया उद्योग लग रहा है। बिहार के लिए आज बड़ा दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि अपने व्यस्तम समय में से निकाल कर ये बेगूसराय की सरजमी पर आए हैं, और रवि जयपुरिया साहब जिनके 40 इस तरह के प्लांट हैं वो आए हैं, डॉक्टर त्रहान साहब जो देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर खास तौर पर आए हैं, जिनका मेदांता जयपुरिया साहब एक सवाल है, और मेदांता बिहार आए, बेहतर शासन मिला, मौका मिला जयपुरिया साहब। राम पर रार, दरअसल एक बार फिर से ये मुद्दा बिहार में तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है।
दरअसल जमुई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि वे राम को नहीं मानते और राम कोई भगवान नहीं थे बल्कि वे एक मात्र काल्पनिक पात्र थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि देश में सबके लिए शिक्षा एक समान नहीं है। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जहां मास्टर समय पर नहीं आते। मांझी के इस बयान से एक बार फिर सियासत अब गर्म हो गई है। तो जीतन राम मांझी ने जमुई में एक बार फिर से एक विवादास्पद बयान दे दिया भगवान राम को लेकर। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम राम को नहीं मानते, हम तुलसीदास को मानते हैं, हम विश्वामित्र को मानते हैं, लेकिन हम राम को नहीं मानते। राम महज उनके काल्पनिक पात्र हैं। वो पूजा करावे के बात नहीं है और दूसरी बात है कि वो पूजा कराने से तुम स्वर्ग को कहीं नहीं जाओगे। राम कोई भगवान नहीं थे, राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निर्मित किया है। पूजा जो और अब इस खबर पर बातचीत करते हैं क्योंकि हम सुप्रीमो ने इसका बयान दिया है। तो हमारे साथ हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उनसे बातचीत करेंगे। दानिश जी, पहले तो स्वागत आपका डीटीवी भारत में। और ये सवाल लगातार जीतन राम मांझी ने जो उठाए हैं, इससे पहले भी उन्होंने उठाया था और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि हम राम को नहीं मानते, आखिर क्यों अस्तित्व पर सवाल? देखिए, उन्होंने कोई सवाल नया नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह का मैंने पटना में बयान दिया था जिसकी वजह से मीडिया ने उसको हाईलाइट कर दिया था। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। देखिए, है क्या ना कि उतने ही बयान निकालकर चलाया जा रहा है जिससे मामला तूल पकड़ पाए, जबकि वास्तविकता यह है कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मैंने पटना में ऐसा बयान दिया था जिसको तूल दे दिया गया। उन्होंने ये कहा था। लेकिन आपके जो सहयोगी पार्टी हैं, आप खुद एनडीए के सहयोगी हैं और आप ही के पार्टी के जो बड़ी पार्टी है सहयोग में भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कहते हैं तो राम क्यों लगाते हैं अपने नाम में, आखिर राम के अस्तित्व पर सवाल क्यों? उन्होंने तो ये कहा है कि हम मां शबरी को मान रहे हैं तो राम को क्यों नहीं, जिसको दुनिया मानती है। जी, हमारे बिहार में एक कहावत है कि कौवा कान ले गया तो कुछ लोग कान पकड़ते हैं और कुछ लोग कौवा के पीछे दौड़ते हैं। अगर मांझी जी के स्टेटमेंट के ऊपर में जो नेता बयान दे रहे हैं, समझिए वो वही नेता हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि कौवा कान ले गया तो वो कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने कान को चेक नहीं कर रहे हैं। बयान देने से पहले ऐसे नेताओं को कम से कम बात मांझी जी के पूरे स्टेटमेंट को सुन लेना चाहिए कि मांझी जी ने बोला क्या है। अब वही है ना कि बंदर के हाथ में मिल जाए नारियल, एक मामला मिल गया है तो आप तूल पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात अगर ऐसे में करें, देखिए दानिश जी, उन्होंने एक बात स्टेटमेंट उन्होंने ही दिया है कि राम एक काल्पनिक पात्र थे, विश्वामित्र के काल्पनिक पात्र थे, तुलसीदास के काल्पनिक पात्र थे, काल्पनिक पात्र ने ये कहा। आप सुने इस चीज को, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि राम जी के बारे में मैंने ये बातें पटना में कही थी जिसको लेके हंगामा हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये इसी बात उल्लेख किया उन्होंने कि हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया। अब पुरानी चीजों को लेकर के अगर कोई राजनीतिक रोटियां सेकता रहे तो सेकता रहे, हमारा एजेंडा बड़ा साफ है, हम बिहार के विकास की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन राजद तो कह रही है कि आप देखिए, राजद तो कह रही है कि जीतन राम मांझी सियासत में बने रहने के लिए इस तरीके से राम पर ही सवाल उठा देते हैं। अब तो अगर ऐसा कुछ है तो हम तो कल तो ये बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी सियासत में बनने के लिए कुछ बोलते हैं। चलिए, आप बताइए, यानी कि आपका कहना है कि जीतन राम मांझी भगवान राम को मानते हैं, उनके अस्तित्व को मानते हैं? उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है। और देखिए, हमारे नेता हमेशा कहते रहते हैं कि राम के अहले वतन कहते हैं उनको इमाम हिंद, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने पुरानी बातों कहा और इसको राजनीतिक टूल देने की आवश्यकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी इस खबर पर अधिक जानकारी बातचीत करने के लिए। हमारे साथ धर्म के प्रवक्ता थे, हालांकि उन्होंने कह दिया है, सफाई दी है उन्होंने, उन्होंने कहा है कि इस बात को तूल पकड़ाया जा रहा है। हालांकि राम के अस्तित्व पर जो सवाल उन्होंने सवाल हमने जो पूछा है उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और राम के अस्तित्व पर कोई सवाल जीतन राम मांझी ने नहीं उठाया। हालांकि सियासत इन दिनों इस पर चल रही है, राम पर रार तो चल रहा है, लेकिन अब ऐसे में आखिरकार जो जीतन राम मांझी और उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि राम को मानते हैं और राम पर सियासत जबरदस्ती की जा रही है बिहार में और इस बयान को तूल पकड़ा जा रहा है। चलिए, प्रवक्ता से बातचीत हो गई, अब जरा बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर से इस खबर पर। निषेध, राम पर रार चल रही है इन दिनों बिहार में, इससे पहले बयान दिया था अभी कुछ देर पहले आपने भी वो बयान सुना दानिश रिजवान का, जो बयान जीतन राम मांझी ने कॉन्फिडेंस से मंच पर दिया था उस पर अब सफाई दे दी है दानिश रिजवान ने। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राम को मानते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी ने इस तरीके का बयान पहली बार नहीं दिया, इससे पहले भी उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि
जो राम है वो काल्पनिक है और वो भगवान राम को नहीं मानते हैं, इस बात को कह रहे हैं कि वो तुलसीदास को मानते हैं लेकिन राम जी को नहीं मानेंगे। और इकलौता ये सिर्फ बयान नहीं है, उन्होंने एक समाज के को लेकर के भी एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो भारत के बाहर से आए हैं, भारत के निवासी वो मूल रूप से नहीं है, लेकिन जो आदिवासी है, अति पिछड़ा है, वो लोग भारत के निवासी हैं। तो इसका बेहतर जो मतलब है वो जीतन राम मांझी ही समझा सकते हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा। लेकिन जो भगवान राम की बात हो रही है तो इस तरीके का बयान जीतन राम मांझी ने पहली बार नहीं दिया, इससे पहले भी उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं, बेशक जो हम के प्रवक्ता है वो कितनी भी सफाई दे ले, कुछ भी कह ले कि हाँ जीतन राम मांझी भगवान को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो काफी आक्रोशित हैं और वो इस बात को कह रही हैं कि जीतन राम मांझी सिर्फ मीडिया में पब्लिसिटी के लिए इस तरीके का बयान देते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहें, ताकि जो मीडिया सुर्खियों में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए भगवान पर सियासत करना उचित है। जहां पर देश में सिर्फ भारत की बात हम नहीं कर रहे, हम अखंड भारत की बात नहीं करते, हम बात यहां पर ये कर रहे हैं कि श्रीलंका में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में जब इसके प्रमाण मिले हैं, पूजा की जाती है भगवान राम को, राम के अस्तित्व पर वो सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि मां शबरी को मानते हैं, ये कहां तक उचित है? देखिए, भगवान के नाम पर सियासत करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जीतन राम मांझी करे या फिर कोई भी राजनेता करे, किसी के भी मुंह से इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता है। क्योंकि अगर मांझी जी इस तरीके का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पे इसका विरोध का सामना उनको करना पड़ सकता है, इससे पहले भी उनको करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था और ब्राह्मणों को लेकर के भी पहले भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था, और अब जो खुले मंच से उन्होंने जमुई में बयान दिया है तो उसमें भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं ब्राह्मण समाज को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल निशे, जरा सा रोकेंगे आपको यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही बयान जीतन राम मांझी ने दिया अब इस पर पलटवार भी शुरू हो गए। सबसे पहले जरा भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कर लेते हैं, वापस आएंगे आपके पास। बीजेपी के नेता मृत्युंजय झा ने मांझी के बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी समाज को तोड़ना चाहते हैं और मांझी से सवाल करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान देकर लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं, मांझी को समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि अलगाववादी के बयान देने चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से मांझी जी के बयान आ रहे हैं, एक इस प्रकार का बयान देकर के कहीं ना कहीं समाज को तोड़ना चाहते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक सम्मानित जगह पर रहे, संवैधानिक जगह पर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम माननीय मांझी जी को करना चाहिए। और जिस प्रकार के अलगाववादी बातें वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के संरक्षण में, किसी में प्रभाव में आकर किस प्रकार के हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज वो जिस जगह पर हैं, जिस जगह पर रहे हैं, उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने बयान देना चाहिए। समाज जोड़ने के लिए देना चाहिए, न कि समाज तोड़ने के लिए देना चाहिए। चलिए अब आपको पुरुषोत्तम राज का भी बयान सुनाते हैं, क्योंकि पलटवार का दौर जारी है अब इस बयान पर। तो जाप नेता पुरुषोत्तम राज ने भी जीतन राम मांझी की निंदा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मांझी सवर्णों को अपशब्द कहकर बस अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगता है क्या पगला गए हैं, सिठिया गए हैं क्या, दिमाग आपका का खराब हो गया है? आप बोलते हो सवर्ण समाज बाहरी है, पगला गए लगता है कि आपको आपको इतिहास मालूम नहीं है? आप झूठो सा चोइसी इतिहास पढ़ लेते हैं, चल देते हैं, मैक पर चिल्लाने लगते हैं, तो इसे आप नेता हो जाइएगा दलित के? अरे आपको पता है कि सवर्ण समाज कौन है? जो सवर्ण समाज ने वो समाज है जो मुगलों से लड़कर आप सबों को जमीन दान देकर बसाया है। आप सबके अपनी कोई औकात है जी? और चलते हो सवर्ण समाज को गाली देने? और जितना दिन सवर्ण समाज तुमको चाहा उतना दिन तुम विधायक बन के रहा मखदुमपुर से, जिस दिन सवर्ण समाज तुमसे नाराज हुआ तुमको मखदुमपुर से उठा के फेंक दिया। चलिए अब वापस चलते हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए इस खबर पर। निषेध, बयान आपने भी सुना है बीजेपी और जेडीयू का, सवर्णों को लेकर उन्होंने नसीहत दी है जेडीयू ने, तो बीजेपी ने सीधा कहा है कि अलगाववाद की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे में एक छोटी सी प्रक्रिया आपसे लेंगे, फिर आपसे आपको विराम देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने जो बयान अब दे दिया है इस पर अब आगे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू, क्या बयान आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, आने वाले वक्त में इस पर सियासत बेहद गर्माने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आपने स्वर्ण सेना के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनका भी बयान सुन लिया,
उन्होंने साफ तौर पे आंदोलन की चेतावनी दे दी और ऐसी स्थिति एक बार पहले भी उत्पन्न हो चुकी है। जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो काफी आक्रोशित हो गए थे और एक बार फिर से अब जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, एक जाति के लोग हैं, वो आक्रोश उनके अंदर दिख रहा है और उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड कार्रवाई नहीं करती है जीतन राम मांझी पर, यानी कार्रवाई पर जोर, आगे आने वाले वक्त में कार्रवाई पर जोर दिया जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशित इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत चल रही है, चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। मांझी बहाना, बीजेपी निशाना, कभी नमाज पर सियासत तो कभी अजान पर आरोप के बाद अब बिहार में एक बार फिर से राम पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान राम को लेकर दिए बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मांझी का बचाव करते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर ही सियासत करने का आरोप लगाया है। कि मांझी जी को कहने की आवश्यकता क्या है और मांझी जी ने जो कहा है उनकी अपनी राय है। हम लोग तो ये राय है कि राम आस्था के प्रतीक हैं, उनको किसी स्थान पर, केवल किसी किताब पर और उन्मादियों के द्वारा राम का नाम लेकर के हमला करना मस्जिदों पर, दूसरे धर्म अवलंबियों पर, शायद इससे बड़ा कोई भी कुकर्म हो ही नहीं सकता है। और नफरत फैलाने वाले नो राम की इज्जत, राम की प्रति आस्था, और राम और कृष्ण, हमारे डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि राम और कृष्ण भारत के आस्था के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक है। हम लोग दूसरी लोहिया को मानते हैं। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी उत्कर्ष लाइव चैट पे जुड़े हैं और उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उत्कर्ष, जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया है राम पर सियासत पर, जो उन्होंने बयान दिया है, कहीं ना कहीं बचाव तो कर दिया है लेकिन बीजेपी पर निशाना साध दिया है। बिल्कुल ऋतिक, देखिए जो स्थितियां बन रही है, लगातार जो है प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो है वो पलटवार कर रहे हैं। हालांकि उनसे जब पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि क्या स्थितियां बन रही है, क्या है उपचुनाव को लेकर, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि राजद के जो उम्मीदवार हैं अमर पासवान, उनकी स्थिति ठीक चल रही है, वहां के हैं उन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि जब जीतन राम मांझी को लेकर उनसे पूछा गया कि जीतन राम मांझी जो है वो कई विवादित बयान दे रहे हैं, राम को लेकर बयान दे रहे हैं और इन तमाम चीजों को लेकर बयान दे रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने ये कहा है कि राम और कृष्ण भारत में आस्था के प्रतीक है, उन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उत्कर्ष, जगदानंद सिंह ने कहा है कि राम और कृष्ण भारत में आस्था के प्रतीक हैं, उन पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऋतिक, देखिए जिस तरीके का बयान कई बार आ रहा है, पलटवार भी किया जा रहा है, और ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने ये कहा है कि राम को लेकर अब विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि राम जो है वो सबके हैं, केवल एक के राम नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि केवल मांझी एक अकेले। बिल्कुल, मांझी बहाना तो है, मांझी बहाना है, लेकिन उनका मेन टारगेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही दिखा है, उनका उनकी तरफ ही हमला करते वो दिखे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, तो जिस तरीके से बिहार में राजनीति चल रही है, राम के नाम पर सियासत चल रही है, इस पर हर एक पार्टी अपनी अपनी बात रख रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के। खबर में आगे बढ़ेंगे। विपक्ष के द्वारा जदयू पर हमला कई बार किए गए और जवाब इस पर देते हुए जदयू प्रवक्ता अजय निषाद ने राजद पर पलटवार किया है। इस दौरान जदयू निषाद ने राजद को परिवारवाद वाली पार्टी बताते हुए कहा कि राजद MY समीकरण का दावा करती है। असल मायने में राजद ना MY समीकरण वाली पार्टी है, ना ही A to Z वाली पार्टी है, बल्कि राजद लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती की LRTTM वाली पार्टी है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी को भी झूठा करार दिया है। वहीं आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी का कहना है कि बोचहा में बीजेपी संघर्ष में नहीं है और वो भी इस बात के लिए सहमत है। इसके साथ ही शिवानंद तिवारी ने बोचहा से आरजेडी के जीत का दावा किया है। दावा है कि हम जीतेंगे, भाई उनकी पार्टी लड़ रही है, वो कैसे कहेंगे कि हमारे हैं। उसी तरह से हमारा भी दावा है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहा है। हमारा दावा इस बात पर आधारित है कि हमारे साथ कौन कौन वोट है वहाँ, या मुकेश सहनी के साथ कौन कौन वोट है, इसके इस पर जो है अगर जज किया जाए तो स्पष्ट दिखाई देगा कि हमारा उम्मीदवार जो है कायदे से अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहा है।
मोकामाटाल क्षेत्र के चारडीह में आयोजित त्रिदिवसीय वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पासवान और आरजेडी नेता बहादुर पासवान के नेतृत्व में नारियल फोड़कर मेले का उद्घाटन भी किया गया। आज बाबा चौहरमल का राष्ट्रीय त्रिदिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शांति एवं सद्भावना के साथ बाबा चौहरमल की जो व्यवस्था और कोरोना गाइड। रोहतास जिले के खैरा पंचायत के खुडहुरिया गांव के नवयुवक संघ के द्वारा एक नई पहल की गई है। इसमें पूरे पंचायत के दसवीं और बारहवीं के टॉपर छात्रों को समाजसेवी मिथिलेश पाठक ने सम्मानित किया। बता दें कि इस मौके पर समाजसेवी सोनू पांडे और विवेक भी मौजूद रहे। जिला मत्स्य पालन विभाग के प्रयास से पहली बार कटिहार जिला मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। बता दें कि इस वजह से अब मछली के मामले में जिले को आंध्र प्रदेश और बंगाल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ ही अब कटिहार पड़ोसी राज्यों में मछली का निर्यात भी कर रहा है। पूर्व के वर्षों में आंध्र प्रदेश से बहुत ही मछली आया करती थी, इसमें फॉर्मलिन डाला जाता था। फॉर्मलिन के कारण जो है उसका प्रिजर्वेशन होता था, जो 8 दिन 10 दिन के बाद लोगों को सरी गड़ी मछली खाने को मिलती थी। परंतु आज के समय में जितने भी चौक चौराहा है, हाट बाज़ार है, बड़ी बड़ी मंडी है, सभी में आप जाएंगे तो आपको लाइव फिश मिलेगी, जिंदा मछली प्रचुर मात्रा में मिलेगी। इसमें बड़ा हाथ आपका मुख्यमंत्री जी बिहार का और प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है, नीली क्रांति योजना है, ये बिहार में पिछले 2 साल से फुल्ली डेवलप कर रहा है और इसके चलते आपका बिहार में मछली उत्पादन। अब उत्तर प्रदेश की खबरों से शुरू कराते हैं आपको। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी स्टेशन पहुंचेंगे और इस मौके पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। बता दें कि वाराणसी स्टेशन पर उपराष्ट्रपति के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करने के बाद सड़क मार्ग से काल भैरव मंदिर जाकर दर्शन पूजा करेंगे। लखनऊ के सिकंदर बाग चौराहे पर वर्टिकल गार्डन के काम की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही नए जेब्रा क्रॉसिंग और चौराहे के सुंदरीकरण के काम को भी शुरू किया गया है। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने नगर विकास से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ भी किया है। सहारनपुर की रामपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल बुधवार को 10वीं में पढ़ने वाले छात्र वंश की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने मामले में 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आपसी विवाद में दूसरे छात्रों ने भी इस हत्या को घटना को अंजाम दिया था। कल 13 अप्रैल को दोपहर में दिल्ली हाईवे पर मदरलैंड स्कूल के पास एक वंश नामक छात्र की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इसमें इस घटना का खुलासा हुआ है, बहुत तत्परता से इसका खुलासा किया गया है। इसमें 3 छात्र ही थे जिन्होंने वाद विवाद के बाद उसको गोली मारी थी। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कतल जो तमंचा था उसको बरामद कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त स्कूटी और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। वाराणसी के राजा तालाब के कचना, रानी बाजार और परसुपुर के में विगत 2 साल से पानी की आपूर्ति बंद है। भिखारीपुर से संचालित जल निगम के ओवरहेड के दूसरे ट्यूबवेल की मोटर विगत 2 साल पहले जलने से यहां पेयजल की रफ्तार धीमी हुई और इस कारण हर दिन लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में भूगर्भ जलस्तर काफी नीचे चल जाने से पानी के बिना जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में लोगों ने आक्रोश व्यक्त कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। जल निगम से पानी सप्लाई आ रही है? नहीं, करीब 1.5-2 साल से नहीं आ रही है। कहाँ से पानी गिर रहा है? वही मोहल्ले के एक लोग हैं, उन्हीं के यहाँ से सुबह सब लोग भरते हैं, समरसेबुल उनके यहाँ है, उनके यहाँ से हम लोग पानी लेकर आते हैं। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।